हे गाइस गुड इवनिंग वेलकम बैक टू दिस फ्रेश लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर सिक्स स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स लास्ट लेक्चर में हाँ आगे बढ़ने से पहले अटेंडेंस डाल देना डे सिक्स लेक्चर सिक्स प्रेजेंट हो आप सभी लोग तो यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्या होता है लास्ट क्लास में मैंने कंप्यूटर के सारे एप्लीकेशन बता दिए थे आपको जो तरह तरह के एप्लीकेशन होते हैं अभी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्या होता है तो सबसे पहले कंप्यूटर्स मतलब कैसे काम करता है ये आपको पता होगा कि कंप्यूटर कोई लैंग्वेज समझता नहीं है कोई एक्सप्रेशन समझता नहीं है इट ओनली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बाइनरी नंबर्स बाइनरी पता है जीरो एंड वन कंप्यूटर बस यही दो चीज समझता है दैट इज जीरो एंड वन सबसे पहले आप नोट्स यहां पे लिखेंगे बुलेट पॉइंट्स करके मैं शुरू कर देता हूँ ऑल डिजिटल कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट अगर समझ गए जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स हैं सभी कंप्यूटर्स का आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई सर जॉन वॉन न्यू मैन इन द लेट नाइनटीन फोर्टीज तो ये चीज़ लिख लो ऑल डिजिटल कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई सर जॉन वॉन न्यू मैन इन द लेट नाइनटीन फोर्टीज समझ में आ गया तो ये जो सर जॉन वॉन न्यू मैन थे जॉन वॉन न्यू मैन ये लेट नाइनटीन फोर्टीज़ में कॉन्सेप्ट को समझाए थे कि कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है और ये जो कॉन्सेप्ट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंडर कुछ चीज़ें आता है वो चीज़ों को मैं समझाता हूँ बिफोर एनी डेटा इज प्रोसेस्ड any डेटा is प्रोसेस्ड इंस्ट्रक्शंस आर read into memory मेमोरी okay. ओके कोई भी डेटा प्रोसेस होने से पहले कोई भी कंप्यूटर है ना वो ऑटोमेटिक कुछ चीज़ नहीं करता है हमेशा इंस्ट्रक्शंस भेजा जाता है मतलब कि अगर आपको कोई कुछ काम करने बोलेगा का नहीं फिर भी आप काम करोगे अपने तरफ से कि आपको सुबह उठना है ब्रश करना है यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस का जरूरत नहीं है आपके पास इंटेलिजेंस है बट आपको कंप्यूटर पता है कि कंप्यूटर के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है यह आपको मैंने डिस्कस करके बताया था तो जब तक कोई इंस्ट्रक्शन मेमोरी तक ना पहुंचे तब तक कोई डेटा प्रोसेस नहीं होगा बिफोर एनी डेटा इज प्रोसेस्ड इंस्ट्रक्शन आर रेड इन टू मेमोरी समझ आ गया दिस पॉइंट इज क्लियर नेक्स्ट पॉइंट इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द मेमोरी इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी कंप्यूटर्स मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन तो इंस्ट्रक्शन कहाँ जाता है कंप्यूटर के मेमोरी में जाता है आपको आगे मैं बताऊंगा कि इसका जो होता है प्राइमरी मेमोरी क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है रैम रोम में डिफरेंस क्या होता है आई विल डिस्कस अबाउट इट बट अभी ये समझो कि पहले तो ये है कोई भी डेटा प्रोसेस नहीं होगा जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं भेजते जब तक आप उसको कुछ बताते नहीं कि ये ऐसे काम करना चाहिए वैसे करना चाहिए ये पहला स्टेप ये दूसरा स्टेप ये तीसरा स्टेप तब तक ये काम नहीं करेगा फिर इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर होते हैं समझ आ गया नेक्स्ट अभी जो मैं बाइनरी की बात कर रहा था ना दिस इज द थर्ड पॉइंट इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म ब्रैकेट में यूजिंग बाइनरी नंबर्स बाइनरी नंबर्स क्या क्या है आपको पता है ओनली जीरोस एंड वंस दिस पॉइंट इज क्लियर जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेगा ना ऐसा आप सोच रहे हो कि आप तो इंग्लिश में कमांड दे रहे हो आप तो इंग्लिश में लिख रहे हो ओपन दिस ओपन दैट क्लिक हियर क्लिक दैट बट कंप्यूटर को यह सब समझ नहीं आता कंप्यूटर को भी जीरो आता है ऑन ऑफ़ ऑन ऑफ़ उस बेसिस में कंप्यूटर इतना सारा चीज़ कर लेता है बट हम लोग ना यार ह्यूमन जो होते हैं हमें बाइनरी कहाँ समझ आने वाले समझ आता है आपको जीरो जीरो वन जीरो मैं लिखूंगा कुछ समझ आएगा नहीं आएगा बट कंप्यूटर को मीनिंग पता है तो हम लोग क्या करते हैं हम अपने लैंग्वेज में लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है कि कंप्यूटर को समझाने के लिए लैंग्वेज होता है मशीन लैंग्वेज होता है जिसको हम सीख लेंगे थोड़ा और उसको कन्वर्ट कर लेगा कंप्यूटर जो समझ जाएगा ज़ीरो एंड वन में जो बीच में कुछ रहेगा वो कन्वर्ट कर लेंगे कंप्यूटर के लिए तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर भी मैं काफ़ी बार समझाता हूँ काफ़ी बार मैंने इसको समझाया आप लोगों को पसंद आया देखो एग्ज़ाम्पल क्या है सपोज़ आप घर से स्कूल गए हो या फिर कहीं बाज़ार गए हो कुछ जगह पे गए हो और ऑफिस गए हो सपोज़ आप चाबी भूल गए घर पे ओके okay? तो अभी अगर आपको चाबी लेने आना है तो कंप्लीट डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़ेगा घर तक फिर चाबी लेके जाओ बट दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि घर से कोई जाए और आपको चाबी पहुंचा दे तो उसके लिए भी पूरा डिस्टेंस होगा वो ट्रैवल करके जाएगा पूरा ट्रैवल करके आएगा तो सबसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन कौन सा हो सकता है कि आपके घर से कोई आधे डिस्टेंस जाए आप भी ऑफिस से आधे डिस्टेंस आओ चाबी एक्सचेंज हो फिर वो जो इंसान देने आया था आपको घर से वो घर चले जाए फिर आप भी घर चले जाओ ना आपको पूरा मेहनत लगा ना वो इंसान को पूरा मेहनत लगा आधे डिस्टेंस आधे डिस्टेंस इन दिस वे कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने के लिए अभी हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में हिंदी में बात कर लेते हैं ये हमारे लिए इजी है बट कंप्यूटर समझ नहीं सकता और कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है ज़ीरो एंड वन वो हम समझ नहीं सकते उसको समझाने के लिए हमें क्या करते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करते हैं जो कि हम थोड़ा सीख लेंगे कंप्यूटर भी थोड़ा सीख लेगा दोनों थोड़ा थोड़ा सीख के काम करेंगे दिस इज हाउ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्कस समझ आ गया वेरी गुड देन प्रोसेसिंग स्टार्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम विच इज कॉपीड इन टू ए कंट्रोल यूनिट सेंटर कंट्रोल यूनिट सर्किट इसका मतलब क्या है प्रोसेसिंग स्टार्ट्स विद द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम आप जब इंस्ट्रक्शन दोगे ना मल्टीपल इंस्ट्रक्शन दोगे ऐसा नहीं कि एक एक इंस्ट्रक्शन दोगे आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शन दोगे जो पहला इंस्ट्रक्शन होगा वहीं से प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा और वो कहाँ जाएगा कंट्रोल यूनिट सर्किट में जाके कॉपी हो जाएगा ओके okay? इसी में आप लिख सकते हो द कंट्रोल यूनिट सर्किट द कंट्रोल यूनिट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस ओके ये जो कंट्रोल यूनिट रहेगा ना ये आपके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा पहला जाएगा वो कॉपी होके एग्जीक्यूट होगा फिर दूसरा जाएगा फिर तीसरा जाएगा फिर चौथा जाएगा ऐसे करके सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होंगे इंस्ट्रक्शन रिटेन बाय द यूजर्स आर परफॉर्म्ड सिक्वेंशियली अंटिल देयर इज ए ब्रेक इन द करेंट फ्लो मतलब कि इंस्ट्रक्शंस रिटेन बाय द यूजर

आउटपुट इनपुट और आउटपुट एंड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली इसका मतलब क्या है इनपुट आउटपुट आप तो इनपुट दे रहे हो फिर आउटपुट मिल रहा है साथ में प्रोसेसिंग भी हो रहा है मैंने आपको कंप्यूटर क्या बताया था आईपीओ साइकिल इनपुट प्रोसेस आउटपुट ये जो साइकिल होता है आप इनपुट देते हो वो प्रोसेस करता है फिर आपको आउटपुट देता है ये साइकिल कंटिन्यूस चलता रहता है साइमल्टेनियसली मतलब अभी अगर आप इंस्ट्रक्शन थ्री दे रहे हो तब तक मे भी इंस्ट्रक्शन वन प्रोसेस होकर आउटपुट दे चुका और इंस्ट्रक्शन टू जो है वो अभी फिलहाल प्रोसेस हो रहा हो ये सेम चीज़ को आपको समझाने के लिए मैं स्क्रीन पर लेके चलता हूँ आईपेड स्क्रीन पर तो मैं हमेशा ये स्क्रीन शेयर करता हूँ आज थोड़ा सा आईपेड स्क्रीन में करके दिखाता हूँ यहां पे मैंने आपको क्या बताया था आईपीओ साइकिल आईपीओ तो ये साइकिल में सपोज आप अभी तीन इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो यू आर गिविंग थ्री इंस्ट्रक्शंस तो तीन इंस्ट्रक्शन में से सपोज़ अभी इनपुट में फिलहाल थर्ड नंबर इंस्ट्रक्शन चल रहा है प्रोसेस में अभी दूसरा है और जो पहला इंस्ट्रक्शन गया था वो ऑलरेडी प्रोसेस हो गया आउटपुट दे चुका है सो इट मीन्स कि साइमल्टेनियसली सारे चीज़ें हो रहे हैं इंस्ट्रक्शन वन गया वो प्रोसेस हुआ आउटपुट निकल आया अभी टू जा रहा है क्वेंस होगा ना एक के बाद दूसरा दूसरा अभी फिलहाल प्रोसेस हो रहा है टू वन जब निकल जाएगा फिर टू आउटपुट हो जाएगा फिर थ्री अभी इनपुट हो रहा है फिलहाल तो थ्री अभी इनपुट में है, फिर प्रोसेस होगा फिर आउटपुट होगा आई होप दिस थिंग इज क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा पॉइंट की बात करते हैं इसी में यस वाइल डेटा इज बिंग रेड और रिटर्न द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसको बोलते हैं सीपीयू को बोलते हैं एग्जीक्यूट एन अदर प्रोग्राम इन द मेमरी दैट इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन अब जैसे मैंने आपको यह साइकिल में समझा था यह साइकिल में मैं दोबारा लेके चलता हूं आपको इन दिस साइकिल यू कैन सी ये तो कंटिन्यूस इनपुट प्रोसेस आउटपुट होते जा रहे हैं इनपुट से प्रोसेस जाएगा प्रोसेस से आउटपुट आएगा फिर यहां पर जो नया इंस्ट्रक्शन रहेंगे वो आउटपुट के बाद वो नया इंस्ट्रक्शन इनपुट में जाएगा तो ये साइकिल कंटिन्यूस ऐसे चलता रहता है अभी थ्री के बाद ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा सपोज फोर फाइव एंड सिक्स इंस्ट्रक्शन है तो थ्री के बाद फोर जाएगा फोर के बाद फाइव जाएगा फाइव के बाद सिक्स जाएगा एक एक इंस्ट्रक्शन ऐसे एग्जीक्यूट होता रहेगा दस थिंग इज क्लियर वेरी गुड नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग हाँ ये सी में रहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा एक एक प्रोग्राम के बाद और आजकल ये लेक्चर का जो साइज़ है आप लोगों को पसंद आ रहा है पहला लेक्चर बहुत लंबा हो गया दैट इज़ वन आवर फोर्टीन मिनट्स दूसरा लेक्चर थर्टी थर्टी मिनट्स का रहा और जो रसबेरी पाए था वो मैंने बहुत कौनसाइज बनाया और डेडिकेटेड पूरा आप सभी के लिए बना कल का लेक्चर भी वही पंद्रह बीस मिनट अठारह मिनट के आसपास था आज भी वही रहेगा अभी दस मिनट हो चुके हैं और दस मिनट के आसपास हम लोग पढ़ेंगे और ऐसे कौन लेक्चर में पढ़ेंगे ज़्यादा लंबा कर दूंगा तब भी आपको समझ नहीं आएगा बट आकाशदाश वाले लंबे रहेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया ना अभी आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो अब इंजीनियरिंग में शॉर्टकट ढूंढोगे आप लोग ना दिमाग को पूरा खराब कर चुके हो ये जो शॉर्ट्स रील्स ये वो सब देख के पेशेंस और आपका फोकस लेवल बहुत गिर चुका है कोई चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोग बोलते हो सर जल्दी 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 और जल्दी के चक्कर में आप उसके डेप्थ तक घुस नहीं पाते मैं पूछूंगा आईपीओ साइकिल क्या है आप बता नहीं पाओगे बिकॉज आपने वो डेप्थ के साथ समझे नहीं हो सो सारी चीज डिटेल में समझो जो, जो जो नाम बता रहा हूँ और सी प्रोग्रामिंग हम लोग शुरू करेंगे मुझे वो पोल में दिख गया मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट सी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं सो आफ्टर दिस टेन डेज ये अभी सिक्स डे है सेवेंथ एथ नाइन्थ टेंथ चार दिन रहेगा दिवाली गिफ्ट आने वाला है आप सभी के लिए एक दो दिन में और तो अभी मैं बता रहा हूँ कि दस दिन जैसे और चार दिन खत्म होते हैं ना उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सी प्रोग्रामिंग ओके okay, ये बेसिक्स अभी कवर कर देता हूं और साथ में सी प्रोग्रामिंग और कुछ बेसिक्स जो रहेंगे कंप्यूटर्स के वो भी मैं आपको समझा रूंगा तो आई होप ये चीज समझ आ गया चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं ए स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर इज ए फंडामेंटल कंप्यूटर आर्किटेक्चर वेर इन द कंप्यूटर एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस दैट आर स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी इसका मतलब क्या है ए स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर इज ए फंडामेंटल कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर होता है ना यह कंप्यूटर का फंडामेंटल चीज होता है फंडामेंटल आर्किटेक्चर और जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन वो आप लोग प्रोवाइड करते वो मेमोरी में स्टोर हुआ रहता है ये एक नोट पॉइंट बस बताने के लिए था और ज्यादा कुछ है नहीं बाकी इसमें जो अमेरिकन थे पहले पहले जो कंप्यूटर्स डेवलप कर रहे थे बहुत सारे नए चीज़ों को लाए बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए चेंजेस किए तो आज के डेट में आपको पता है जो सी का एक चिप होता है ना वो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में हैंडल कर लेता है आप कितने इंस्ट्रक्शंस हैंडल करते हो सपोज आपको बोला गया कि बोतल में पानी भरो तो ये एक इंस्ट्रक्शन है तो आप पहले बोतल उठाओगे जाओगे फिर आपका जो फिल्टर रहेगा एक्गर्ड रहेगा या फिर पानी का कंटेनर रहेगा वहाँ से पानी निकालोगे भरोगे सो यू आर डूइंग वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम आप निकाल रहे हो जा रहे हो ढक्कन ओपन कर रहे हो वहाँ से पानी भर रहे हो तो so, कंप्यूटर के बारे में सोचो एक सेकेंड में बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर लेते हैं दैट इज़ द पावर ऑफ कंप्यूटर तो जो लोग पूछते हैं कि सर जॉब क्या चला जाएगा कंप्यूटर साइंस आने के बाद मैं बताता हूँ यार जो मैनुअल काम थे ना वो जॉब चले गए आज के डेट में बहुत रेयर चीज़ें मिलता है जहां पे मैनुअल कैलकुलेशन होता है अगर आपको ऐड करना रहा सब्ट्रैक्ट करना रहा कोई मैनुअल कैलकुलेशन करना रहा इंसान गलती कर सकता है कंप्यूटर में डेटा को फीड कर दो एक्सेल शीट में एक बटन क्लिक करोगे सारा ऐड होके आ जाएगा गलती होगा ही नहीं हंड्रेड परसेंट एक्योरेट आएंगे पहले थोड़ा बहुत गलती हुआ करता था बट इतना चेंजेस आ चुका है कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है गलती आ ही नहीं रहा तो वो सब चीज़ का जॉब चला जाएगा मैं आपको दुबई का एग्जाम्पल बता रहा था सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है वहां पर क्यों नहीं है क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इतना डेवलप हो गया कि एक सिक्योरिटी गार्ड रहेगा काफी है। जो डिजिटल कैमरास होता है वो सारा मोशन को डिटेक्ट करता है मोशन डिटेक्ट करके पता चल जाएगा कोई बाहर से तो एंट्री नहीं किया और जो कार्ड के बिना आप एंट्री नहीं कर सकते चाहे कोई भी सोसाइटी हो भले गेस्ट भी हैं घर का ओनर को आना पड़ेगा या फिर अप्रूव करना पड़ेगा कि हाँ दिस इज माय गेस्ट ये मेरे घर तो पे आ रहे हैं तो सिक्योरिटी गार्ड का जॉब वहां पे चला गया सो आई एम टेलिंग यू कि आप चीजों को सीखो स्किल को डेवलप करो जिसके साथ आप कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर नहीं कर पाओ उससे काफी बेहतर बनो समझ पा रहे चलिए आज और एक चीज समझाता हूँ कि ये जो टाइप्स ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स क्या होते हैं टाइप्स ऑफ चलिए हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स तो यहां पे लिखते हैं एक कंप्यूटर ये तो मैंने आपको बता रखा है ना कि किसने जो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है इसमें क्या होता है एक डायग्राम में आपको दिखाऊंगा ये डायग्राम में आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि कैसे हमारा कंप्लीट काम करता है ये डायग्राम का इमेज को मैं इसी में अटैच कर लूँगा जैसे ही हमारा क्लास खत्म होता है ताकि आप इसको रेफर कर पाओ ज़्यादा थ्योरी इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है बट बाकी चीज़ें आप समझ सकते हो कि कैसे कहाँ से इंस्ट्रक्शन जाता है कैसे प्रोसेस होता है कैसे आउटपुट मिलता है कहाँ पे स्टोर होता है समझ पा रहे हो मेरी बात ओके okay. चलिए अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दैट इज़ द डायग्राम डायग्राम को मैं समझा देता हूँ सो so, मुझे लेके जाना पड़ेगा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे और ये रहा सो लेट मी एक्सप्लेन द डायग्राम एज वेल ओके हियर आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा कि यार प्रोसेसर क्या होता है प्रोसेसर क्या होता है जो प्रोसेस करते हैं इंस्ट्रक्शंस को लेके प्रोसेस करते हैं सो लेट मी ड्रॉ ए प्रोसेसर हियर यहां पे लिख लेता हूं प्रोसेसर ठीक है एक बॉक्स यहां पे बना लेंगे दिस इज ए प्रोसेसर उसके बाद नेक्स्ट क्या करूंगा यहां पे लिखूंगा मेन मेमोरी मेन मेमोरी ओके तो सबसे पहले क्या होता है यहां से यहां भी डेटा जाएगा और यहां से यहां भी डेटा आएगा तो ये जो आपस में हो रहा है ना ये दोनों डायरेक्शन में होगा मेन मेमोरी से प्रोसेसर प्रोसेसर से मेन मेमोरी और एक वन डायरेक्शनल यूनी डायरेक्शनल होगा जो एड्रेस बस होता है ना ये आप डिटेल में बाद में समझोगे बट अभी ऊपर ऊपर से थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लो कि एड्रेस बस जो होता है वो एड्रेस कैरी करता है कैरीज एड्रेस ये एड्रेस कैरी करता है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है डेटा बस डेटा बस क्या करता है कैरीज, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस तो यहां से आप क्या समझ रहे हो कि जो प्रोसेसर होता है ना यहां से जो एड्रेस बस क्या करता है एड्रेस को कैरी करके जाता है मेन मेमोरी तक पहुंचाता है और मेन मेमोरी क्या करता है यहाँ से जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन है वो प्रोसेसर के पास भेज देता है और जब प्रोसेसर भी वापस इसको दे दे सकता है क्योंकि दिस इज़ यूनि बोथ डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल बट ये है यूनी डायरेक्शनल यहाँ से बस एड्रेस जाएगा अब थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं अगर इतना चीज़ समझ रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन भी समझना ज़रूरी है यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं इंस्ट्रक्शन मेमोरी और इंस्ट्रक्शन मेमोरी को मैं यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ इधर मैं प्रोसेसर बना लेता हूँ दिस इज़ प्रोसेसर एंड हियर इट इज़ अगेन डेटा मेमोरी डेटा मेमोरी हैंडराइटिंग आप इग्नोर कर सकते हो मेन चीज है समझना सो so, यहां से ऐसे एरो बनेगा यहां से ऐसे एरो बनेगा फिर इधर से ऐसे और इधर से बाई डायरेक्शनल सो so, इसका मीनिंग क्या है प्रोसेसर जो है वो इंस्ट्रक्शन एड्रेस भेजेगा बट उससे पहले क्या था डेटा मेमोरी था मेन मेमोरी जो है डेटा मेमोरी डेटा एड्रेस भेजेगा और प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन एड्रेस भेजेगा तो सबसे पहले यहां पे लिख लेता हूं डेटा एड्रेस ए डी डी आर एस एस और इधर से प्रोसेसर भेज देगा इंस्ट्रक्शन एड्रेस इंस्ट्रक्शन एड्रेस और फिर इंस्ट्रक्शन uh, मेमोरी क्या करेगा ये इंस्ट्रक्शन देगा प्रोसेसर को और प्रोसेसर क्या करेगा रीड राइट में हेल्प करेगा रीड राइट ऑफ डेटा समझ रहे हो दिस इज हाउ इट वर्क्स So, ये था कंप्लीटली जो आ, फिगर ए है ये फिगर ए को आप नाम दे सकते हो इसी के नीचे हम दे सकते हैं बट मैं नामकरण कर देता हूं ऐसे इसको ए कर दिया इसको बी कर दिया तो ए को हम क्या बोलेंगे ए को बोलेंगे वॉन न्यूमैन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो कि है शेयर्ड मेमोरी फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा और दूसरा क्या है यह है हार्वर्ड आर्किटेक्चर हार्वर्ड आर्किटेक्चर तो यह ऊपर ऊपर से समझने के लिए है कि हाँ ऐसे मेन मेमोरी होता है ऐसे डेटा ट्रांसफर होता है यहां से ऐसे जाता है ब्रीफली ये आपको समझ आ जाएगा ओके okay? थोड़ा सा हैवी हो गया कॉन्सेप्ट मुझे पता है धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बढ़ेगा बट आईपीओ साइकिल आप सब लोग समझ गए बहुत ईजीली मैं समझा दिया फिर साथ में ये कॉन्सेप्ट भी समझा दिया अब अगले क्लास में हम लोग बात करोगे कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या फंक्शंस होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जैसे आपको पता है इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस प्रोसेसिंग डिवाइसेस ये सारे कंपोनेंट्स हैं बट एक्चुअली इंटरनली ये कैसे कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी करेंगे फिर उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी भी करेंगे एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स सो मैनी थिंग्स are there. इसको हम आराम से पढ़ेंगे ये होने के बाद फिर आपका रहेगा कंप्यूटर मेमोरी रिलेटेड फिजिकल मेमोरी हायर कैसा होता है देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी रैम रोम का डिफरेंस ये हर एग्ज़ाम में पूछता है भले आप कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड देख लो रैम रोम में क्या डिफरेंस होता है दोनों का फुल फॉर्म आप बताओगे साथ में स्टोरेज डिवाइसेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये भी एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है तो इसको आप लोग पढ़ेंगे ओके ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट काम क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग सोच रहे हो कि हम जो विंडोज यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बट उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम का अपने आप में इतने सारे काम होते हैं आपको मैं बताऊंगा ठीक है चलिए फिर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन मिलते हैं अगले वीडियो में पहली बार चैनल पर आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो मिल रहे होंगे अगले वीडियो में तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद